Controversial comment from cleric Talkie Raza, where he called for a jail a Bharo agitation and warned of a second partition, has drawn widespread condemnation. Republic has confronted Talkie Raza over his comment. Listen, in. sir. सबसे पहले ये समझाइये आपने एक बयान दिया कि सड़क पर जिसने मुसलमान उतरेगा तो उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। इन शब्दों के मायने क्या हैं? देखिए मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि आधा सच जो परोसा जाता है वह झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है जुमला पूरा आना चाहिए मैंने ये कहा था कि मुसलमान सड़कों पर आएगा गिरफ्तारी देने के लिए हम देशव्यापी जेल भरो आंदोलन चलाएंगे उसके लिए सड़कों पर आएंगे और तब हम कंट्रोल में नहीं आएंगे हम गिरफ्तारी देने निकलेंगे तो गिरफ्तारी ही देंगे हम किसी पर हमला आवर होने के लिए या लड़ाई झगड़ा करने के लिए सड़कों पर नहीं आएंगे हम स्वेच्छा से शांति के साथ हम गिरफ्तारी देने आएंगे कि देश में जो कुछ भी हो रहा है इससे हम क्षुभ हैं इससे हम परेशान हैं इसका विरोध करने के लिए हम अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करते हैं और ये आंदोलन हमारा इन ईद के बाद हम इसकी डेट वगैरह डिक्लेयर करेंगे और देशव्यापी आंदोलनों का हर सूबे से ये गिरफ्तारियां दी जाएंगी शांति से गिरफ्तारी देंगे और मुसलमानों को कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा दोनों बहुत अलग अलग बातें ऐसा लग रहा है कि आप सीधे सीधे देश के लॉ एंड ऑर्डर को जो है चुनौती दे रहे हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए हमें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे नहीं देश मेरा है लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ तो मैं ये देख रहा हूँ संविधान के खिलाफ तो सरकार चल रही है अपने हाथ में कानून ले लिया है अदालतों तक मामला को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है तो ये जो कुछ हो रहा है हम इन्हीं तमाम चीजों के खिलाफ कंट्रोल में नहीं आने का मतलब यह है कि हमें अगर ये कहा जाएगा कि नहीं आप गिरफ्तारी मत दीजिए हम देखते हैं हमने अभी दस दिन का समय दे दिया ईज के बाद हम फैसला करेंगे अभी पूरे दस दिन बाकी हैं इस दौरान में अगर मोदी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी अपना तरीक़ाकार दुरुस्त कर लेते हैं सबका साथ और सबका विकास की जो बात करते हैं उसको वो ज़मीन पर लागू करते हैं और एक तरफा जो कार्रवाई हो रही है पक्षपात जो किया जा रहा है इसको ठीक कर लेते हैं तो हम अपनी उस गिरफ्तारी के आंदोलन से भी इस कर देंगे उसे अभी आपके बोल कुछ और हैं कल आपके बोल कुछ और हैं कल आप प्रधानमंत्री को धृतराष्ट्र कह रहे थे आज आप प्रधानमंत्री को माननीय कह रहे हैं क्या आपको नहीं लगता कि एक सम्मानित पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए जब आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो कई सवाल तोकी रजा पर खड़े होंगे द्र, नहीं धृतराष्ट्र को याद कीजिए कि उनको उस वक्त भी तमाम लोग लो माननीय ही कहते पद थे पक्ष के हों या विपक्ष के हों तमाम लोग उन्हें माननीय कहते थे मैं भी उन्हें माननीय कह रहा हूं लेकिन मैं ये धृत उन्हें नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि धृष राष्ट्र की सी भूमिका उनकी बन गई है वो जैसे धृत उस वक्त खामोश बैठा रहता था और इंसाफ की बात नहीं करता था और एक कार्रवाई करता था उसी तरह आज नरेंद्र मोदी जी अगरचे अंधे नहीं है बिना है लेकिन गूंगे और बहरे बन गए हैं उन्हें इंसाफ और नाइंसाफी नजर आ रही देश के हालात नजर नहीं आ रहे देश कितनी तकलीफ में है है ये नजर नहीं आ रहा की भूमिका से उन्हें बाहर आना चाहिए मैं उनका सम्मान करता, करता हूं लेकिन उनका जो तरीका है उसकी मैं मुखालफत करता हूँ बाद में पूछती लेकिन आपने क्योंकि जिक्र कर दिया प्रधानमंत्री का इसीलिए मैं पूछ रही हूं आप ही के बयान पर गिरिराज सिंह ने आज रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बातचीत की उसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो है वो कृष्ण की भूमिका में है इतना ही नहीं उन्होंने आपको लेकर भी ये कहा देखिए मुसलमानों से कभी भी बीजेपी को नफरत नहीं रही है बस जो एक कट्टरवादी सोच है उससे हमें दिक्कत अब है अब ये किस्म के नेता गिरिराज जैसे लोगों की बात जवाब नहीं देना चाहता हो, होंगे बहुत बड़े मंत्री ल, लेकिन उन्हें न बात करने की तमीज है न, ना बयान देने की तमीज है उल्टा सीधा बोलना और भड़काऊ भाषा गिरिराज सिंह जितना भड़काऊ बोलता है उसके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे मंत्रियों की जबानों को जब तक प्रधानमंत्री नहीं लगाएंगे देश का माहौल ठीक नहीं होगा गिरिराज कहता है कि घर वापसी होगी मैंने गिरिराज से उस वक्त भी पूछा था कि घर वापसी का क्या मतलब है तुम पहले नंगे रहते थे तो क्या तुम नंगे हो जाओगे दोबारा तुम पहले जंगलों में रहते थे जंगलों में रह जाओगे तुम पहले मंत्री नहीं थे मंत्री पद छोड़ोगे हमें 1400 बरस पहले एक लाइट मिली हम उस लाइट में आ गए हैं गिरिराज जैसे लोग अभी 1400 बरस हमसे पीछे चल रहे हैं तो मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता कल उन्हें राम की भूमिका में ले आए थे ये लोग आज कृष्ण की भूमिका में ले आए हैं तो प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री की भूमिका में तो आने दो तो। अगर राम और कृष्ण प्रधानमंत्री हैं तो फिर उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है वो तो खुद ब खुद हो जाएगा राम जो चाहेंगे वो नहीं होगा कृष्ण जो चाहेंगे वो नहीं होगा तो जब वो कृष्ण है तो फिर सब कुछ ठीक ठाक हो जाना चाहिए क्यों नहीं हो रहा है राम और कृष्ण की भूमिका से बाहर आइए और देश के प्रधानमंत्री की भूमिका में आ जाइए मुझे ये बताइए हर बार कोई भी प्रधानमंत्री हो कोई भी राष्ट्रपति हो कोई भी नेता हो या कोई भी विपक्ष का नेता हो उनके मुंह से एक ही नारा हमने सुना है एक भारत अखंड भारत लेकिन तौकी रजा कहते हैं कि भारत अब जो है बंटवारे की तरफ बढ़ रहा है क्या मतलब है इसका? नहीं, जो, जो माहौल बनाया जा रहा है बंटवारे की तरफ सुनिए मैंने मैंने ये नहीं कहा है कि बंटवारे की तरफ बढ़ रहा है मैंने ये कहा है कि हम किसी कीमत पे एक बार और बंटवारा हिंदुस्तान में नहीं होना देना चाहते लेकिन माहौल यह बनाया जा रहा है कि हिंदू के साथ कारोबार नहीं करेंगे